हेलो एवरीवन, मैं शिवेंद्र मलिक बोल रहा हूँ। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लीड्स क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, और आप जब भी कोई कस्टमर को, जैसे कि हम लोग के लिए कस्टमर कौन है, आईटी कंपनीज है ना, तो जब भी आप कोई आईटी कंपनीज के साथ बात कर रहे हो, इस सिचुएशन में क्या है कि कभी कभी आप लोग बोलते हो कि ये 100% कन्फर्म लीड है। नहीं देखिए सर, ये 100% कन्फर्म लीड नहीं है। लीड्स बिजनेस में कुछ भी कन्फर्म नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही हाई चांसेस है कि ये लीड क्लोज होगा। लेकिन ये कन्फर्म डील या फिर कन्फर्म प्रोजेक्ट ये, तो 100% एकदम ही मत बोलिए। अगर आप बोल रहे हो, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गया, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये पूरा पूरी इनवैलिड हो जाएगा। हम लोग कस्टमर को ये रिफंड कर देंगे और आप एकदम ही लाइक 100% लीड है, नहीं तो कन्फर्म प्रोजेक्ट है, एकदम ही मत बोलिए, ठीक है। ये जो है ये लीड्स बिजनेस है। लीड्स बिजनेस में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। मतलब क्या है कि 10 जन जो दुकान में आता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट किए उसके लिए 10 जन दुकान में आया। सोच लीजिए कि हम लोग 1000 जन को पेपर पर्ची बांट दिए, डिजिटल मार्केटिंग कर दिए, तो 1000 जन को अगर भेजे तो 10 जन जो दुकान में आया उसको, जो 10 जन जो स्ट्रॉन्ग लीड्स है उसको हम लोग बेचते। तभी क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड में क्या है कि आपका दुकान में जब भी कोई आ रहा है तो वो दुकान डिजिटली है ना। मतलब है कि आप अगर कोई आईटी कंपनी को बेच रहे हो कोई लीड, तो बंदा तो डिजिटली हम लोग को लाइक एडवर्टाइजमेंट देखा, फिर हम लोग को अप्रोच किया कि हाँ मेरे को वेबसाइट बनाना है, तो मतलब वो विंडो शॉपिंग किया और है कि मतलब देखा कि हम लोग का एडवर्टाइजमेंट देखा, उसको लगा कि हाँ ये अच्छा है, मैं शायद वेबसाइट इन लोग से बनवाना चाहता हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि हाई चांसेस है, बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है ये डील क्लोज होने के लिए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 100% क्लोज होगा ही होगा, है ना। तो मतलब है कि इसलिए हम लोग आईटी कंपनीज को क्या बोलते हैं कि अगर अगर आपको 100% सेल चाहिए तो एक लीड मत लीजिए, मिनिमम से मिनिमम 10 लीड लीजिए। एक लीड मत लीजिए, मिनिमम से मिनिमम 10 लीड लीजिए। क्या है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर, लॉ ऑफ एवरेजेस, ये सब क्या होता है, मतलब है कि सेल्स का ये जो नेचर है, ये जो तरीका है, मतलब है कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर, मतलब है कि 100 जन से बात करो, 10 जन आपका सुनेगा और 1 जन खरीदेगा, यही होता है सेल्स। अब इस सिचुएशन में क्या है कि 100 जन से बात करने के जो टाइम लगता है और जो मेहनत लगता है और जो नॉलेज लगता है और है कि जो पैसा लगता है वो हम लोग कर दे रहे, और वो 10 आदमी लेके आपको दे रहे, और है कि ये 10 आदमी का क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग चार्जेस लेते हैं, हम लोग का चार्जेस थोड़ा हाई है, और जो भी अगर क्लोज हो जाता है तो आपका सेल्स हो गया। तो हो गया कि शायद एक लीड दिए तो कस्टमर का पहला लीड ही अगर लकी हो गया तो वो पहला डील ही शायद क्लोज हो जाए। लेकिन कुछ कुछ क्या है कि अगर कन्फर्म सेल चाहिए ना, तो एक लीड से नहीं होगा, मिनिमम से मिनिमम 10 लीड 20 लीड लेना चाहिए हम लोग से। हम लोग क्या है कि इतना कॉस्टली, एक एक लीड अगर कॉस्टली पड़ रहा है तो हम लोग अगर कोई बल्क में ले रहे हैं, हम लोग को प्राइस घटा देंगे, है ना। तो वही है, मैं आपको यही बोल रहा था कि 100% लीड्स नहीं तो 100% गारंटीड लीड्स नहीं तो कन्फर्म लीड्स, ये सब टर्म्स मत यूज़ कीजिए। ये जो है ये लीड, ये इसको बोलिएगा क्लाइंट्स को जो भी आप दे रहे हो, ये हाई चांसेस ऑफ कन्वर्शन वाला लीड है। और ये जो लीड है ना, जहाँ पे बाकी सब जगह में 20-30 जन को दिया जाता है, हम लोग सिर्फ 2 से लेकर 3 कंपनी को देते, तो क्या है कि आपका चांसेस ऑफ क्लोजिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही हाई है ना। चलिए, थैंक यू। और प्लीज़ आप किसी को भी मत बोलिए कि 100% और नहीं तो 99% और नहीं, इसमें हाई चांसेस ऑफ कन्वर्शन है, और परसेंटेज ऑफ कन्वर्शन क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है। जैसे हो गया कि कोई कोई डेवलपमेंट कंपनीज सस्ता में कर देते हैं और है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, तो उन लोग का क्लोजिंग रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लोजिंग रेशियो, जब भी कोई आपको पूछ रहा है ना कि आपका लीज का क्लोजिंग रेशियो क्या है, देखिए सर ये क्लोजिंग रेशियो ना क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है। जो भी बहुत सारा टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं और बहुत सारा टाइम दे सकते हैं क्लाइंट को उसको समझने के लिए, कंसल्टेंसी देने के लिए, और हो गया कि जो भी प्राइसिंग का नेगोशिएशन में ओपन रहता है, उन लोग का कन्वर्शन रेशियो जनरली हम लोग देखेंगे हाई होता है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, सी या।